हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बहुत काफ़ी दूर से अहमदाबाद गुजरात एसएस सोडा मशीन कंपनी में हमारे कस्टमर आए हुए हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी दुशासन मोहंती, ओडिशा से, बालेश्वर। ओडिशा बालेश्वर से यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात आए हैं सर। हाँ, और ये हमारी जो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है उसका भी हम आपको डेमो दे रहे हैं। ठीक है सर, जैसे पहले आप इसको पूरा क्लीन कर दिया वो आपने देखा, ठीक है? देखा। और अब जो है इसके अंदर हम जो है इसका रॉ मटेरियल बनाना आपको बताएंगे और साथ में इसमें लोड भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो है दूध डाला जा रहा है, एक जो है वो 500 ml है। एक मिल्क की जो ये थैली है इसके अंदर 500 ml दूध है, ठीक है, उसको हम डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो है हाई फैटी दूध जो रहता है, मिल्क जो रहता है, उसको आपको ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि तीन थैली डाल चुकी है, ये 3 empty थैली है, यहाँ से चौथी वाली ले ली है। अब इसमें चॉकलेट पाउडर है जो 500 ग्राम है, ये 75 rupees का पड़ेगा चॉकलेट पाउडर। और मिल्क जो है वो कितने का पड़ रहा है, 30 rupees की एक थैली है दूध की, यानी 120 rupees का दूध हुआ और 75 rupees का जो है वो आपका हो रहा है पाउडर। 195 में आपको पड़ेगा एक 2 liter दूध और 500 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर। ये जो आपका रॉ मटेरियल है वो रेडी हो चुका है दोस्तों, इसको मशीन में लोड कर देना है। ये भी ml के हिसाब से देखेंगे तो 2500 ml है, 2.5 liter, ठीक है। चलिए तो इसको हम यहाँ पे ये 1 number का हॉपर है इसमें डालते हैं। सर चॉकलेट फ्लेवर हमारा बन गया। हाँ सर। कितनी देर लगी? हाँ सर, ये 2-3 minutes का काम है। है ना, मैक्सिमम कितना मिनट लग सकता है? 5-10 minutes। 5 minutes में रेडी हो जाए? हो जाएगा, 5 minutes में हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा फ्लेवर बनाते हैं। कौन सा फ्लेवर बनाया है? वेनिला। 500 ग्राम जो इसमें डाल रहे हैं वेनिला पाउडर डाला है, 500 ग्राम। तो देखिए केवल मैक्सिमम 5 minutes में जो है रेडी हो जाता है। और ml भी आपको दिखाई देते हैं, आइए। तकरीबन वही 2500 ml जितना है, यानी 2.5 liter इसको डालेंगे हम इसमें। चलिए दोस्तों अब डालेंगे टॉपिंग। ये डाल दिया है मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप, सिरप है ये। देखिए यहाँ पर जो है वो पफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पफ का क्या मतलब है, सारी पैनल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है ऑटो का मतलब है कि ऑटोमेटिक ये चीज स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ये जब हमको साफ सफाई करनी हो, पूरा माल खत्म हो गया हो, तो क्लीनिंग मोड पे डालेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर के चक्कर घूमेंगे और ये आपको मशीन क्लीनिंग मोड के ऊपर मशीन क्लीन करके देगी, ठीक है। ये यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, सारा फंक्शन फीचर्स जो है ऑफ हो जाएंगे, जैसे ही स्टॉप का बटन दबाएंगे वो बंद हो जाएगा सब। यहाँ पे जाम लेफ्ट और राइट है, यहाँ पे कूल का बटन है, बराबर है। ये कूल यानी ऊपर कूलिंग करता है, जो हॉपर रहते हैं उसमें कूलिंग आता है। और ये सेटिंग है, ठीक है। ये सेटिंग दबाएंगे हम, देखिए अलग अलग टाइप का सेटिंग होता है। ये अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं, हार्डनेस जो है उसको बढ़ाई जा रही है। देखो ये अभी 2.7 पे है, यहाँ पे कितने पे हार्डनेस आई है वो बता रहा है। यहाँ पे 2.7 पे आ चुके हैं, 2.8। जितना हम हार्ड करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, 5.4 and 5.5। ये भी हमने इसके ऊपर इसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये पफ का बताते हैं हम आपको। ये पफ जो है ये देखिए क्या वर्क करता है, वो सेट हो चुका है 5.5 पे। आप देखिए ये पफ है, ये देखिए अभी जो है यहाँ पे बुलबुले आने लगेंगे, ये अंदर एयर मिक्स करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एयर मिक्स होगी, माल के अंदर ये एयर मिक्स कर रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, एयर मिक्स हो रहा है, देखिए
अभी जो है आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अंदर की साइड में एयर को मिक्स कर रहा था। देखिए फटफटे फूटने लगे, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं बंद कर रहा हूँ पफ को, देखिए सर जी एयर बंद हो रहा है, यहाँ पे फरफोटा फूटना बंद हो गया है। ठीक है, अभी फूट रहा था अभी बंद हो गया है आपके सामने, देखिए अब नहीं दिख रहा है ना। देखिए अभी जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा एक मिनट लगता है, वन मिनट में अंदर वो हो जाएगा स्टार्ट। देखो ये हो गया, देखो हो गया, देखो है आपके सामने। देखिए एयर को मिक्स कर रहा है, देखिए है ना, इसको बोलते हैं पफ। देखिए ये साइड में से मिक्स कर रहा है, देखिए आया। ये मशीन के अंदर सारे फीचर्स दिए हैं, तो अब जो है वो 5 से 6 मिनट हो चुकी है। अब जैसे इसकी हार्डनेस प्रॉपर आ जाएगी हम इसमें से आपको कौन निकाल के बताएंगे। तो सर इसका अभी तक का आपको प्रोसेस कैसा लगा? अच्छा लगा। इजी है या हार्ड है? इजी है। इजी है ना? इजी। या आपके सामने सर ने देखा, आपको कैसा लगा प्रोसेस? बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी छोटा बच्चा इसको एक बार देख लेगा। कोई भी व्यक्ति चला सकता है इसमें? कोई भी चला सकता है। आपने देखा एक ही व्यक्ति भी ये इसको माल बाल को बना सकता है? हाँ, इजीली माल बना सकता है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों मशीन जो है अभी इसके कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, अभी जो है 3.9 पे आ चुकी है। ठीक है, जैसे ये 5.5 पे आएगी तब हम प्रोडक्शन करेंगे स्टार्ट। सर अभी आपके सामने अपने कितनी देर का बोला था और कितनी देर में हो गया? सर 15 मिनट में ये फ्लेवर डालने के बाद 15 मिनट में ऑटो में छोड़ देंगे, आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगा। फिर जो आइसक्रीम बन के तैयार हो गया फिर अपनी आप ही कटअप हो गया है ना। हमने बोला था 20 मिनट और 15 मिनट में हो गया। देखिए दोस्तों हमारी मशीन जो हम बोलते हैं उससे भी अच्छा वर्क करती है, ये आपके सामने है। ठीक है, और अब जो है आगे निकाल के बताएंगे आपको कौन। देखिए ऐसा एम्प्टी कौन आता है 50 पैसे 60 पैसे का पड़ता है, उसके अंदर हमको आइसक्रीम डालना है। ठीक है, अभी जैसे कि ये आपके सामने है आइसक्रीम, और ये आपके सामने है क्वालिटी, और ये आपके सामने है नॉक। इसको बोलते हैं ओरिजिनल क्वालिटी आइसक्रीम की है। नॉक देख सकते हैं आप, नॉक को देखिए, लीजिए सर टेस्ट कीजिए। तीर का तरह ये चोंच खड़ा है, बहुत ही अच्छा हाँ। इसका लुक है आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं भी ये नरम नहीं होगा, बिल्कुल नरम नहीं होगा, बिल्कुल इसकी चोंच खड़ी है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ना। टेस्ट करिए सर, टेस्ट करिए, टेस्ट करके बताइए। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा क्रीमी है, ये सबसे बड़ी बात है आइसक्रीम में उसका क्रीमीनेस कैसा है, ये बहुत ही बढ़िया क्रीमीनेस और सॉफ्ट आइसक्रीम है। अब जो है हम दूसरी फ्लेवर भरेंगे, लीजिए ये भी देख सकते हैं आप, लीजिए वेनिला फ्लेवर टेस्ट कीजिए सर जी, टेस्ट कीजिए। बहुत लाजवाब टेस्ट है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, देखिए आपके सामने ग्राहक का रिव्यू, सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट नरम है, पूरा खाने का टेस्ट लगती है, क्रीमी है, क्रीमी क्रीमी है। आपके सामने देखिए फ्लेवर कौन सा है? ये वेनिला का है, वेनिला का फ्लेवर है ना, वेनिला का है, और चॉकलेट भी है ना, अच्छा लगेगा। अभी चॉकलेट भी टेस्ट करा देते हैं आपको, ये विदाउट जाम का है, लीजिए अभी विद जाम वाला भी आपको टेस्ट कराएंगे। स्ट्रॉबेरी के साथ, ये स्ट्रॉबेरी के साथ लीजिए टेस्ट कीजिए, स्ट्रॉबेरी के साथ जाम है हाँ, ये भी बढ़िया टेस्ट है, लीजिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। अब ये जो है सिरप है, सिरप है तो यहाँ से वो कर रहा है, जब झाड़ा होगा तब नहीं करेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि अभी हमारे पास जाम लेने जाने का समय नहीं था, वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर मिलता है। ठीक है, तो अभी इसको हमने सिरप को डाला है। ठीक है, सिरप को मैं पहले भी सॉफ्टी आइसक्रीम का कारोबार करता हूँ अभी भी,
ये मेरे दोस्त है भाई जैसा, यहाँ पे हम अहमदाबाद गुजरात में है, ये जो है एसएस सॉफ्टी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए हैं। ये जो है, हम जो नाम नहीं लूँगा मैं वो कंपनी का या दूसरी कंपनी का, लेकिन ये जो आइसक्रीम हम खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये क्रीमी कैसा है। बहुत ही अच्छा क्रीम है और हार्डनेस भी है, बहुत ही अच्छा लाजवाब टेस्ट है, बढ़िया क्रीमी हो रहा है। ये मशीन बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वर्क करी है, बढ़िया वर्क है मशीन का। आप इसमें ये मशीन में रेगुलरली निकाल सकते हो कौन, बैक टू बैक कौन निकाल सकते हो, जितने चाहो निकाल सकते हो, नॉन स्टॉप या आइसक्रीम प्रोडक्शन करके देगा ये मशीन। कीजिए टेस्ट, कीजिए डबल कॉम्बो फ्लेवर है सर जी। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये कहाँ पर लगाएंगे मशीन को? ये हम एक जगह है मेरे दोस्त के यहाँ, ये बालेश्वर में, यहाँ से गोपालपुर गांव में लगाएंगे। वहाँ भी एक ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन उसे वो मशीन हम वहाँ लगाएंगे। एक कौन का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 6 रुपये है अप्रोक्स, कितने में बेचेंगे? इतना बेहतरीन कौन कितने में बिकेगा? हम इसे बिना जाम के 15 रुपये में बेचेंगे, और जो जाम के साथ निकलेगा वो 20 या 25 हम मार्केट वेरीफाई करके लगाएंगे कस्टमर को, है ना। प्रॉफिट जो है वो तगड़ा होने वाला है, तगड़ा जरूर होगा। अच्छा, बढ़िया प्रॉफिट होगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा। और ये क्रीमी कैसे है? आपके सामने एक ब्रांड जो होती है, जैसे बड़ी ब्रांड की आइसक्रीम होती है, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स है, उसके अंदर जो खाते हैं उसके जैसा है टेस्ट? बढ़िया बढ़िया, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हम उस समय से खा रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम बिगलने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आज लंबे समय तक खा सकते हैं आप, देखिए, है ना। हाँ, जैसे कि आपने कौन लिया तो उसके आप खा रहे आराम से आनंद ले लेके, तो आपको 5 मिनट भी लग गया तो पिघल के हाथ में नहीं आ जाएगा, आपका हाथ बिगड़ने नहीं देगा, ठीक है कि नहीं सर? हाँ सर, बराबर। सर भी खा रहे इतनी देर से, पिघला के हाथ बिगड़ा? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा है, कितनी देर में डेमो दे दिया कंपनी ने? आधा घंटा, एक घंटा के बाद डेमो हो गया। मतलब तुरंत कंपनी ने आपको रिस्पांस कैसा दिया? अच्छा दिया, है ना, अच्छी रिस्पांस है हमारी कंपनी की। अच्छा है, पहली बार बना रहे हैं? पहली बार किए? पहली बार, पहली बार में इतना बढ़िया भर दिया। इजी है मशीन चलाना? इजी है, आसान है? आसान है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस फर्स्ट। इससे पहले लाइफ में कभी आपने ये मशीन चलाई है? नहीं, एक ही बार चलाया, तुरंत आ भी गया? एक ही बार चला है। तो इजी से भरा भी गया ना? भरा, क्योंकि नॉक भी आ गया है, बढ़िया भर दिया है। कितने में बेचेंगे एक कौन? 15-20। 15-20 रुपये में बेचेंगे? आ जाइए सर, आप भी भर के बताइए। अरे वाह, क्या बात है, ये देखिए, इसको हम 15 रुपये में सेल करेंगे, और ये टॉपिंग्स के साथ आएगा वो 20-25 रुपये सेल होगी। मेरे पास है मशीन, 5 साल से मैं बना रहा हूँ, और ये मेरे पास जितने भी आएंगे अभी, हाँ, मैं यही मशीन लेने की बोलूँगी सबको। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ रेस्पॉन्स देखिए, अभी इसको 15 मिनट ऐसे ही रखेंगे तो इसकी भी चोंच खड़ी होगी, ये बिगलेगी नहीं, हाँ, पहली बात। और ये क्रीमीनेस कोई खाएगा तो ही जान पाएगा। जी जी जी, ओके, देखिए दूसरा भर दिया। दूसरा भर, खुशी देख रहे हैं चेहरे पे सर के। आपको कैसा लगा? मेरे तो खाली खाने का है। खाने का है सिर्फ? खाने, खाली खाली खाने का मजा है, खाली खाली खाने का मजा है भाई। कैसा लगा टेस्ट, कैसा लगा टेस्ट? बड़ा पूरा ब्यूटीफुल, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, आपको कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है, हार्डनेस है, सॉफ्टी भी है, है ना। देखो आपके सामने कस्टमर करके दिखा रहे हैं आपको, इसके साथ थोड़ा चॉकलेट का चिप्स डाल सकते हैं, वो वनीला का करके डाल सकते हैं, वनीला के चिप्स भी डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं, इसमें 5 रुपये का और इजाफा हो जाएगा, 5-10 रुपये का, तो ये कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और जो व्यापारी है उनको भी थोड़ा मुनाफा हो जाएगा।
तो दोस्तों आप भी खरीद सकते हो ऐसी बेहतरीन क्वालिटी की कामयाब सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन जो ऐसा सोडा मशीन कंपनी। आपको कैसे पता चला कि हमारी कंपनी जो ऐसी मशीनें बेचती है? यूट्यूब में देखा था जो पहली जो वीडियो आपने डाले हैं जी। तो ये मॉडल जो आया है ये लेटेस्ट मॉडल दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ। ये लेटेस्ट मॉडल है विथ रिपिल के साथ आएगा और एडवांस फीचर्स भी उसमें एडेड है। और मशीन देखिए यहाँ पे मशीन चल रहा है, थोड़ा सा नज़दीक भी आ जाइए चाचा। देखिए और यू मशीन से जो और मशीन है कंपनी का वो साउंड है, इसमें कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल भी साउंडलेस मशीन है, बहुत ही अच्छा। आपके सामने देखिए ये नॉइस फ्री मशीन है, बहुत ही अच्छा मशीन है। इसमें जो लगाए है देखिए व्हील, व्हील लगा हुआ है, कहीं भी आ जा सकेंगे। और ये लॉक भी है, अगर वो इसको कहीं खड़ा करना चाहते हो तो ये कहीं हिलेगा भी नहीं। ओके कहीं भी नहीं हिलेगा, ये मशीन कॉम्पैक्ट साइज है, आप कहीं भी थोड़ा इधर उधर दुकान के बाहर भी लगा सकते हो, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं, बहुत ही अच्छा है। और सर हमारी कंपनी में आप आए तो कैसा रहा सर रिस्पॉन्स? सर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, हम लोग तो सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे, अहमदाबाद में सुबह पहुँच गए थे, आपका 10 बजे जो यहाँ पर आपका शॉप खुला, फिर आप 10:30 बजे आए, 11 तक हमको पूरा अपडेट डेमो करके दिखा दिए, तुरंत रिस्पांस मिला ना? तुरंत रिस्पांस मिला है। आपको हमारी कंपनी कैसी लगी सर? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए और भी सॉफ्टी मशीन के साथ साथ सारी मशीन यहाँ अवेलेबल है, अगर कोई दोस्त यहाँ आना चाहते हैं, कस्टमर यहाँ आना चाहते हैं तो आराम से आइए, विजिट करिए, डेमो लीजिए, फिर जो आपको पसंद है वो परचेस करके घर ले जाइए, कोई इसमें नहीं। तो दोस्तों आप भी कीजिए ऐसा प्रॉफिट वाला बेहतरीन मुनाफे वाला बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियो। दोस्तों ऐसी कामयाब मशीन खरीद के आप अपना कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी 1-5 से 6 रुपये की प्रोडक्ट को 20 से 25 रुपये में सेल करके आपका खुद का रोजगार जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन वीडियोज। थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।